जिस्म का हिस्सा है, उनकी रगों में जो लहू दौड़ता है वही लहू हमारी रगों में दौड़ता है। हमारे रिश्ते हैं, हमारे नाते हैं, वो हमारी खानदान का हिस्सा है। इसलिए पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का चप्पा चप्पा, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से ताल्लुक रखने वाले लोग, चाहे वो खैबर से हों, चाहे वो सिंध से हों, चाहे वो बलूचिस्तान से हों, पंजाब से हों, गिलगित बल्तिस्तान, ये तमाम इलाके कश्मीरियों के लिए अपना लहू दे चुके हैं, ये कश्मीरियों के लिए अपना तन मन धन लगा चुके हैं। और आज भी हम कश्मीर के आवाम को, मकबूजा कश्मीर में जो लीडरशिप है और मकबूजा कश्मीर के आवाम, हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं, पाकिस्तान जो दुनिया की पांचवीं बड़ी ताकत है, हम 7 न्यूक्लियर ताकतों में से हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं। हम कश्मीर की आज़ादी के लिए हर वो कोशिश करेंगे जिससे, और हमने पहले भी हर कोशिश की है, हमने 4 जंगें लड़ी हैं कश्मीर के लिए, हम हर वक्त जंग के लिए तैयार हैं कश्मीर के लिए, चाहे वो मुआशी जंग हो, चाहे वो सियासी जंग हो और चाहे वो कोई और जंग हो। और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ दुनिया को, दूसरी जंग अजीम के बाद कभी किसी मुल्क ने ये जुर्रत नहीं की कि वो जाके इलाका अनेक्स कर ले। नरेंद्र मोदी की फासिस्ट हुकूमत, जो अपनी आइडियोलॉजी, जो अपना नजरिया हिटलर की नाजी नजरियों से लेती है, जहां पे आज आरएसएस और एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी हिंदुस्तान के अंदर जो इस वक्त हुक्मरानी कर रही है, वो पाकिस्तान को कभी भी कश्मीर कॉज से पीछे नहीं हटा सकेगी। पाकिस्तान का हर फर्द कश्मीरियों के साथ था, कश्मीरियों के साथ है और कश्मीरियों के साथ रहेगा। बहुत शुक्रिया। नारा तकबीर।